अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और आज हम जी देखने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन को। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, तो ये सारा जो सीन पिछली वीडियो वाला वही आपके सामने। तो उससे पहले हमने वी लुकअप को देखा था, तो उसके लिए आप जो पार्ट टू है हमारी सीरीज़ का वो देखना ना भूलिएगा। अच्छा, डेटा वैलिडेट सॉरी वी लुकअप के ज़रिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगा के जो है अपनी जो यहाँ पे प्राइजेस थी वो रिट्रीव कर ली थी। और उसमें मैं आपको बताया था कि मैं आपको डेटा वैलिडेशन का बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम ये डेटा उड़ा देते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये जो एरर आ रहे हैं ये तो चले वैल्यू नॉट अवेलेबल वाले एरर आ रहे हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए यही है कि मैं इस लिस्ट में से यहाँ पे कोई भी आइटम उठा के मैं डाल देता हूँ कस्टमर बिल में। मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ मिल्क, ठीक है। उसके अलावा मैं कहता हूँ जी सैलमन, ट्यूना, चीज़। और एट द एंड अब यहाँ पे मैं एक यहाँ ऑरेंज की जगह ना मैं कुछ गलत जो है ना यहाँ पे स्पेलिंग अगर लिख दूँ ऑरेंज की डबल ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो ये जो स्पेलिंग है हमारी ये जो इस कॉलम जो हमने वी लुकअप किया था उससे मैच नहीं करता। तो क्या होगा कि जब मैं इंटर करूँगा ह्यूमन एरर आ गया यहाँ पे। अब जब ह्यूमन एरर आ गया, गलती से मैंने यहाँ पे गलत जो है ना आइटम इंटर कर दिया। अब जो है कन्फ्यूजन पैदा होती है अक्सर वर्किंग एनवायरनमेंट में कि वो इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कहाँ पे मसला आ रहा है। तो इससे निपटने के लिए डेटा वैलिडेशन जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि हम जो अपनी जो इनपुट है डेटा की, ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकें। और कोई भी गलत चीज़ जो है अगर कोई इंसान गलती कर भी देता है तो उसे जो है वो खुद ब खुद एरर उसके सामने पॉपअप हो जाए और उसे बताया भाई आप गलती कर रहे हैं, अभी आप रुक जाएं, आपने ये गलत आइटम चूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन कैसे लगती है? अभी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अपनी याददाश्त के लिए इसे कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि हमने किस जो है ना कौन कौन से डेटा इनपुट किया था। और ये सारे डेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ और इस इन सेल्स पे मैं डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन आपने जिन सेल्स पे या जिस कॉलम पे लगानी है उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। फिर आपको डेटा में जाके यानी यहाँ पे डेटा में जाके आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग में आपको तीन जो है ना यहाँ पे टैब है। पहले टैब में सेटिंग में आपने जो क्राइटेरिया वो देना होता है। अभी के लिए हमारा क्राइटेरिया जो है वो लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, यानी आप चाह रहे हैं ना अगर कि इनमें से मैं एक आपको डेट बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उन कॉलम्स में सिलेक्टेड में डेट आए उसके अलावा और कुछ ना आए, तो आप यहाँ डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे फिर उसका फॉर्मेट भी आप दे देंगे या स्टार्ट डेट एंड डेट जो है ना उस पर चेक लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं लिस्ट उठा रहा हूँ। लिस्ट यहाँ पे वो सोर्स मांग रहा है कि कौन सी लिस्ट जनाब, तो यहाँ से हम अपनी इस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये लिस्ट मैंने इनपुट दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज मैंने पहले से लिखा हुआ था सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट और टाइटल है इसका और ये आ गया आइटम्स अवेलेबल। ये यहाँ पे शो भी होना शुरू हो गया। एरर अलर्ट में मैंने यहाँ पे वार्निंग दी है और वार्निंग में मैंने यहाँ लिखा है रॉन्ग आइटम और लिखा है द सिलेक्टेड आइटम इज़ नॉट इन द लिस्ट। अब मैं इसको ओके करता हूँ और उसी जो सीक्वेंस है मैं दोबारा एंट्री करता हूँ मिल्क, सैलमन, ट्यूना, चीज़ और ऑरेंज। और ऑरेंज का मैं डबल ई लिखा हूँ। जैसे ही मैं डबल ई लिखूंगा तो वो मुझे यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। ये उसने एरर दे दिया कि द सिलेक्टेड आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, कंटिन्यू और यस और नो। तो मैं यहाँ कहता हूँ नो और मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिंगल ई के साथ मैंने इंटर कर दिया। अब जो है मेरा जो डिज़ायर्ड जो प्राइस है 1.49 वो उसने हमें यहाँ पे दे दिए और हमारा मसला हल हो गया। तो डेटा वैलिडेशन का ये फ़ायदा है कि डेटा वैलिडेशन में कोई भी अगर आप गलती करेंगे ना तो उसमें ये है कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है का ये फीचर जो है खुद ब खुद आपको अलर्ट कर देगा ताकि ह्यूमन एरर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। अब देखें यहाँ मिल्क है ना, मैं यहाँ मिल्क ही लिखता हूँ, तो मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो दोबारा एरर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है ना डेटा वैलिडेशन के फ़ायदे हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। एक नया फंक्शन जो है वो सरप्राइज़ जो है आप लोग के लिए इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा पार्ट फोर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।